हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एक कॉमन टॉपिक पर जो बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि तंबाकू खाने से क्या होता है। मैं तो बहुत सालों से खा रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो अभी खाना शुरू किया था, मुझे इतनी प्रॉब्लम होने लगी। तो तंबाकू खाने के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो एकदम से नहीं आते हैं, वो एक स्लो ऑनगोइंग प्रोसेस होती है, धीरे धीरे उसका असर आता है। आपको नहीं पता लगेगा, अगर आप जाकर के डेंटिस्ट के पास चेकअप कराएंगे अपने मुंह को तो आपको पता लगेगा। तंबाकू खाने से आपके दांत खराब हो सकते हैं, आपके मसूड़े खराब हो सकते हैं, आपके गाल खराब हो सकते हैं, आपकी जीभ खराब हो सकती है, ठीक है, कुछ भी खराब हो सकता है। कुछ बीमारियां हैं जिन्हें हम कहते हैं ल्यूकोप्लेकिया होता है, ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है, वेरुकस लेजन हो सकते हैं आप, यहाँ तक के आपके मुंह में जो है कैंसर हो सकता है। ये तो हुई मुंह की बात, आप आते हैं अंदर आपकी बॉडी की क्या हो सकता है। आपके लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके लंग्स खराब हो सकते हैं, आपकी किडनी पर असर पड़ सकता है, आपके दिल पर असर पड़ेगा इसका। तो आप ये समझे कि सिगरेट पीने से या तंबाकू चबाने से, गुटखा चबाने से, इन सबसे जो है आपकी पूरी ही हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, आपकी पूरी बॉडी इससे जो है प्रभावित होती है। आप इसलिए आपको तंबाकू को छोड़ना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने तो जब से तंबाकू खाना शुरू किया हमारे दांत में दर्द नहीं होता है। आपके दांत में दर्द होता है लेकिन वो आपको महसूस नहीं होता है, क्योंकि केमिकल होते हैं तंबाकू में बहुत सारे, उनकी वजह से आपका जो CNS है, दिमाग है आपका, दिमाग के जो फंक्शन होते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं, दब जाते हैं कुछ टाइम के लिए, फिलहाल के लिए, तो इसलिए आपको दर्द महसूस नहीं होता है। तो आपको लगता है कि हमें तो दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन वो तंबाकू आपके आगे के लिए प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है और ज्यादा कंडीशन को बिगाड़ रहा है। इसलिए आपको मुंह की जो भी प्रॉब्लम है, आपके दाढ़ में, दांत में, या मसूड़ों में, या गाल में, किसी भी जगह कोई प्रॉब्लम अगर है तो आप डेंटिस्ट से कंसल्ट करें, उनसे कंसल्ट लें, अपने आप से कुछ भी ना करें और ये तंबाकू आप छोड़ दें। क्योंकि जो तंबाकू है वो आपको जो है कैंसर तक लेकर के जा सकता है, और कैंसर आपको मौत तक लेकर जा सकता है, आपको अपनों से जुदा कर सकता है। तो प्लीज आप जो है तंबाकू को छोड़ें, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है आपको अगर, तो अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें, उनकी राय मशवरा लें, उनका सलाह लें, और वो जो ट्रीटमेंट आपको बताएं वो करें, और तंबाकू को आप हमेशा के लिए छोड़ दें। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।